अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। विंटर स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर गोइंग फॉर नाइट कैंपिंग। रात के 10 बजे रोड पे इतनी बुरी ट्रैफिक थी कि पूछे ना। हम पहुंचे पेट्रोल पंप जहां डिसाइडेड था कि हम सब सारे लोग यहां पे मिलेंगे। इफ यू गाइस आर न्यू ऑन माय चैनल प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आधी अंधेरी रात को वाजियों से गुजरते हुए हम निकले अपने डेस्टिनेशन के लिए। सो लेट्स गो। हॉरर मूवी के सीन की फीलिंग आ रही थी। अंधेरी रात में पहाड़ों के बीच से एक अकेली गाड़ी गुजर रही है। जब तक हाईवे पे थे तब तक तो लाइट भी थी। जब हम लोग ने हाईवे क्रॉस कर लिए तो आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर अंधेरा था। जस्ट कार की जो लाइट थी उससे हम लोग जा रहे थे। एंड फाइनली वी रीच टू आवर डेस्टिनेशन आफ्टर 1.5 आवर ऑफ ट्रैवलिंग। क्विकली हमने अपना सेटअप जमाया और सब बैठ गया। यहाँ आप देख सकते हो मेरे बच्चे को, इसके तो हर काम में हेल्प करने की आदत कहीं ना जाएगी। मतलब सब बड़े काम कर रहे थे तो इस वॉज थिंकिंग लाइक कि मैं क्यों बैठा रहा हूँ फारिग, मुझे भी तो कुछ हेल्प करना चाहिए, आफ्टरऑल मैं भी आया हूँ कैंपिंग करने। यहाँ हमने लगाया बच्चों का मिनी टेंट और आप देख सकते हैं अंदर, ये देखें इसमें सबसे सेंटर में बैठा एक टेडी बियर छोटा सा। हमारा छोटा टेडी बियर अभी बिजी अपने राइम्स के साथ, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में, सो स्टे ट्यून। हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी बारबेक्यू की प्रिपरेशन। सबने अपनी ड्यूटी अच्छी अच्छी संभाली हुई। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगी थी शीशा बनाने के लिए और हमारे पास हैं दो स्पेशल बारबेक्यू सेफ जो ऑन ड्यूटी आ चुके हैं, एक वेज सेफ एक नॉन वेज सेफ। शेफ किट्टू ने अपनी पनीर टिक्के लगा दी हैं फ्लेम पे और ये हो रही है। एंड हियर कम्स आवर अनदर शेफ, शेफ अदनान। आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी ड्यूटी संभाल ली है, पोजीशन पे बैठ गए हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेडी बियर। बेचारा यह बैठ के बिस्किट खा रहा और ये ड्यूटी स्टार्ट हो चुकी है, तिक्के लग चुके हैं सिकने के लिए। अभी टाइम था तिक्कों में तो बच्चों को भूख लगी थी तो यहाँ पे वो सब बच्चे खाना खा रहे हैं। ये रहा मेरा बच्चा जिसने बहुत मुश्किल से कोट और कैप लगाई है और कप लेके कोल्ड ड्रिंक का वेट कर रहा है। और ठंडी तो पूछे ना, ऊपर अच्छी खासी ठंडी थी। इट्स यम, मेरा नंबर आ चुका है एंड आई एम हैविंग इट। ये बच्चा अलग ही परेशान होता, सबने आग जलाने हैं, सबने ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मैं अकेला कैसे बैठा जा सकता हूँ टेंट में, तो ये बाहर आ गया सब चीज़ों एक्सप्लोर करना। इस जगह शेफ कुट्टू के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हुई है। आप देख सकते हो बेचारी को बर्तन मांजने की ड्यूटी लगा दी हुई है। खाने पीने के बाद बच्चों ने यहाँ खेलना स्टार्ट कर दिया। आप देखो बैडमिंटन खेल रहे हैं बच्चे, मेरा वाला तो फिर भी अभी थोड़े सुकून से बैठा हुआ है। यहाँ हमने बना रखा अपना शीशा कॉर्नर, यहाँ हमने लकड़ियाँ लगा दी है क्योंकि ठंडी काफ़ी थी तो बॉन फायर तो बहुत ज़रूरी। हमारे शेफ लगे हुए हैं अपने नेक्स्ट ड्यूटी पे जो कि चाय बना रहे हैं। यहाँ की एम्बियंस काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। अगर आपने अपना बारबेक्यू का प्रोग्राम नहीं बनाया तो यू कैन बाई एंड हैव योर फूड। ठंडी में बॉन फायर के मज़े ही कुछ अलग हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे बारबेक्यू करने ही आते हैं स्पेशली। आप देख सकते हैं सबने अपने अपने टेंट लगाए हैं, कार पार्क है, टेंट है और शॉप्स भी हैं। इट्स अप टू यू कि क्या करना है, क्या कैसे करना है। और ये देखें यहाँ चाय बन रही है लेकिन मेरे बच्चे को सुकून नहीं है, ऐसे कैसे उसके हेल्प के बिना चाय बन सकती है, तो आके बार बार चेक कर रहा है कि उसे चाय बनानी है। आप देख सकते हो इस छोटे टैडी ने मम्मी के पास जाना था, फाइनली ये छोटा टैडी अपनी मम्मी के पास पहुंचा हुआ है।
मेरे डैडी ने आखिर चम्मच चला के ही माना है। जब ने चम्मच चला लिया तब जाके आया इस ये लड़का यहाँ खेलने के लिए। इसकी अलग ही स्टाइल है खेलने के लिए। इसने बॉल आगे फेंकी और इसकी बॉल पीछे चले जाती है। प्रॉब्लम तो था हमारा सनराइज देख के जाने का, पर 4 बज गए तो और वी आर वेरी टायर्ड, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। इन केस अगर सनराइज हुआ तो हम लोग रास्ते में देख सकते हैं। सुबह के 7 बजे हम पहुँचे हैं घर एंड वी आर फुल टायर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।